मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं आपको लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि लूपिंग स्टेटमेंट्स होते क्या हैं जावा में। ये जावा प्रोग्रामिंग के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर कि लूपिंग स्टेटमेंट्स कैसे काम करता है, लूपिंग स्टेटमेंट्स में होते क्या क्या चीज़ हैं, इन चीज़ों के बारे में पहले समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लूप में तीन तरह के लूप हो जाते हैं। पहला होता है फोर, उसके बाद होता है वाइल एंड डू वाइल लूप। फोर लूप, वाइल लूप और डू लूप, ये तीनों तरह के लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। लूप बोलते किनको है ये समझते हैं। लूप बोलते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करवाते जा रहे हैं एक सर्टेन नंबर टाइम तक, जैसे कि मुझे एक से लेकर 10 तक कोई प्रोग्रामिंग को चलाना या किसी स्टेटमेंट्स को 10 बार रिपीट करवाना हो, तो उस रिपीटेशंस को ही हम लोग लूप बोलते हैं। लूप भी दो प्रकार के, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि लूप भी दो प्रकार के। एक ऐसा लूप जो कि एक सर्टेन लिमिट तक चले, जैसे 1 से 10 तक ही अगर कोई लूप काम कर रहा हो तो उसको लूप बोलेंगे। लेकिन कोई लूप अगर चलते ही जा रहा हो कंटिन्यूअसली, मतलब वो बंद ही नहीं हो रहा हो, तो उस तरह के लूप को हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट लूप बोला जाता है। तो लूप भी एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दो प्रकार के, एक हो गए लूप जो कि नॉर्मल लूप हम लोग यूज करते हैं कि 1 से 10 तक ही चलना हो या 1 से 20 तक ही वो चलेगा, रिपीट होगा और उसके बाद वो बंद हो जाएगा, और एक लूप हो गए जो अनलिमिटेड टाइम तक वो चलता रहेगा, तो वो इनफिनाइट लूप की कैटेगरी में आ जाता है। अब यहाँ पे आते हैं कि यहाँ पे एक फिगर आप लोग देख रहे होंगे जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री टेस्ट कंडीशन, नीचे में सबसे पहले लिखा हुआ है इस जगह पर एंट्री कंट्रोल और दूसरा लिखा हुआ एग्जिट कंट्रोल। ये एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होते हैं पहले इसको समझ लेते हैं। मैं पहले बात करता हूं फोर लूप की और व्हाइल लूप की बात करता हूं। फोर लूप और व्हाइल लूप में कंडीशंस पहले ही चेक किए जाते हैं। यहां पे लिखा हुआ है टेस्ट कंडीशंस, यानी फोर लूप और व्हाइल लूप। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे मान के चलते हैं कि हम यहां पर लिए हुए हैं आई इक्वल टू वन और यहां पर हम इसी जगह पे लिए हुए हैं सम इक्वल टू जीरो, हम इसकी बात कर रहे हैं यहां पर। और जब नीचे की ओर आता है फोर लूप और व्हाइल लूप में, तो यहां पर चेक किया जाता है कि आई अगर छोटा या बड़ा हो, यानी चेक किया जा रहा है कंडीशन को, चेक किया जा रहा है कि आई लेस देन इक्वल टू, अगर आई छोटा होता है या बराबर होता है 10 के, अगर ये कंडीशन मैच करता है। और अभी के अनुसार से देखा जाए तो आई यहां पर 1 है, इट मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू है। ट्रू है तो जब बॉडी ऑफ लूप में आएगा तो इस जगह पर हम यहां पर ले लेते हैं सम इक्वल टू सम प्लस आई। कहने का मतलब है कि सम की बात अगर हम करें तो सम यहां पर 0 है और इक्वल टू सम की बात करें तो सम तो 0 है प्लस 1। चूंकि आई 1 है और यहां पर आने के बाद चेक किया गया कि आई 1 है जो कि 10 से छोटा है, तो ये ट्रू है, ये वास्तव में 10 से छोटा यानी ट्रू है। ट्रू है तो नीचे की ओर आएगा और यहां पर काम करेगा क्या कि आई जो कि 1 है वो 0 में जुट करके सम भी मेरा अब 0 नहीं रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा। और वापस से ये बॉडी ऑफ लूप वापस से इस जगह पर आकर के फिर से टेस्ट करेगा, यहां पर इंक्रीमेंट होने के बाद, इंक्रीमेंट होने के बाद वापस से इस जगह पर आएगा, अब आई यहां पर हो जाएगा 2 जो कि पहले 1 था लेकिन अब यहां पर हो जाएगा 2। और जैसे ही आई 2 होता है तो चेक कर रहा है इस जगह पर कि आई अगर छोटा होगा 10 से, जो कि वास्तव में ये छोटा है यानी ट्रू है क्योंकि 10 से छोटा है, तो छोटा है तो फिर से बॉडी ऑफ लूप में जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वैसा लूप जिसमें पहले ही चेक किया जा रहा हो, यानी एंट्री के समय ही चेक किया जा रहा हो, उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल। इसको ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये इस तरह के चीज होते हैं दो चीजों में। पहला होता है फोर लूप, क्योंकि फोर लूप में भी जैसे ही लूप ऊपर से नीचे की ओर आता है तो सबसे पहले कंडीशंस को चेक किया जाता है कि अगर आई छोटा होगा 10 से तो वो काम करेगा, अगर नहीं होगा तो सीधा एग्जिट हो जाएगा। तो उस तरह के लूप को जिसमें पहले ही चेकिंग किए जा रहे हैं उसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल।
मतलब बॉडी ऑफ देखा जा रहा है कि वैसा कंडीशन जैसे फोर लूप की बात करूं और अगर व्हाइल लूप की भी बात किया जाए तो फोर लूप और व्हाइल लूप में पहले ही कंडीशंस होते हैं जो कि चेक किए जाते हैं कि कोई भी काम ट्रू है या फॉल्स है, कोई भी कंडीशंस ट्रू है या फॉल्स, उस तरह की चीज़ों को बोलते हैं इंट्री कंट्रोल। और अगर हम बात करते हैं बॉडी की तो इसमें कैसा होता है तो इसको समझते हैं। बॉडी की बात करें तो कोई भी चीज, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई इक्वल टू वन और सम इक्वल टू जीरो की अगर मैं बात करूं इस जगह पर, तो अगर आई नीचे आएगा और यहाँ पे लिखता हूं सम इक्वल टू सम प्लस आई, और यहां पर कंडीशंस में दिया जाए, इस जगह पर अगर दिया गया हो कि आई लेस देन इक्वल टू 10, तो जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो बिना चेक किए, क्योंकि चेकिंग कंडीशंस तो बाद में है यहाँ पर लास्ट में, तो लास्ट में होने की वजह से जब ऊपर से लूपिंग आएगा यानी जब ऊपर से स्टेटमेंट्स या कंप्यूटर काम करेंगे तो नीचे आकर के सबसे पहले यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा कंप्यूटर के द्वारा, यानी वन पहले इस सब में जुट करके वन हो जाएगा और तब जा करके चेक होगा इस जगह पर कि आई छोटा है या बड़ा है। अगर मान लेते हैं कि हम इस जगह पर ही पहले ही आई को कर देते हैं 11, 11 कर देते हैं, तो जब वो नीचे आता है तो आई तो मेरा 11 है, तो वो तो जुट करके सम को कर दिया 11, क्योंकि सम तो 0 था, 0 में 11 जुटेगा तो सम क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन बाद में जब यहाँ पे आता है चेकिंग करता है यहाँ पर कि आई जो 11 है क्या वो छोटा है या बराबर है 10 के, तो यहाँ पे पता चलता है कि ये तो छोटा है ही नहीं ना ही बराबर है, लेकिन एक बार तो ये काम हो चुका है। तो इस तरह के चीजों को जिसमें जब लूप खत्म होने की कगार पर होता है, यानी जब लूप के एंड, यानी जब किसी लूप के लास्ट वाले लाइन पर चेक किया जाए कि वो लूप किस तरह से काम कर रहा हो, तो उस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। कहने का मतलब एग्जिट होने के समय, यानी जिस समय लूप एग्जिट होगा उसी समय चेक किया जा रहा है कि ये और चलाना है या इस जगह से बाहर की ओर निकल जाना है। अगर ये मान लेते हैं कि मेरा अगर आई छोटा रहता तब तो ये वापस से काम करता, अगर छोटा नहीं है यहाँ पे जैसे छोटा नहीं है तो ये क्या हो गया, एग्जिट हो गया। तो इस तरह की चीजों को हम लोग बोलते हैं, तो दो तरह के चीज हो गए, एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं, यहाँ पर दो तरह के चीज हो गए। फॉर लूप और व्हाइल लूप बेस्ड होते हैं एंट्री कंट्रोल, क्योंकि फॉर लूप और व्हाइल लूप में मतलब बॉडी ऑफ लूप से पहले ही चेक कर लिया जाता है कि बॉडी ऑफ लूप काम करेगा या नहीं करेगा, यानी तो पहले ही चेक कर लिया जाता है कि जो कंडीशन हम दे रहे हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, वो ट्रू रहेगा तो काम करेगा, फॉल्स रहेगा तो काम नहीं करेगा। जबकि एग्जिट कंट्रोल में एक बार, कम से कम एक बार बॉडी ऑफ लूप काम जरूर करेगा और लास्ट में वो जा करके चेक करता है कि जो चीज ऊपर से आया जाए, जो भी स्टेटमेंट्स ऊपर से आ रहे हैं वो स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होते हैं तो वो लूपिंग में जाएगा, अगर फॉल्स होते हैं तो यहां पर वो क्या होंगे, एग्जिट हो जाएंगे। तो सीधा समझना इसको कि एंट्री लेवल पे किए जा रहे हैं तो एंट्री कंट्रोल, और जब एग्जिट यानी जब एग्जिट होने पर हो कोई भी लूपिंग और तब जाके चेकिंग किया जा रहा हो तो उसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल। देखो फोर लूप में सबसे पहले आते हैं फोर लूप। फोर लूप में तीन तरह के चीज होते हैं, फोर सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब इसका बॉडी ऑफ लूप यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं बॉडी ऑफ लूप, ये हो गया सिंटेक्स। सबसे पहले कंडीशंस होगा, जैसे कंडीशंस के तौर पे हम लोग लिखते हैं आई इक्वल टू वन, ये हो गया इनिशियलाइजेशन, जब आई में वन की वैल्यू असाइन की करेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। और इसी आई को अगर हम चेक करते हैं कि आई लेस देन इक्वल टू 10,
यानी अगर आई छोटा होता है 10 से या बराबर होता है, तो इस तरह के चीज को हम लोग बोलते हैं कंडीशंस। यानी एक कंडीशंस है कि अगर ये छोटा होगा या बराबर होगा तो काम करेगा, नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट होता है कि जब हम इसी आई को बढ़ाते हैं, आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और बॉडी ऑफ लूप में हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमको लिखना होगा सम इक्वल टू सम प्लस आई, यानी अगर हम आई के वैल्यू को जोड़ना चाह रहे हैं कब तक, 10 होने तक, तो वो जुट करके सम में जाएगा और लास्ट में हम इस तरह की चीजों को प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये है इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और ये हो गया बॉडी ऑफ लूप। हो गए बॉडी ऑफ लूप में, ये हम स्टेटमेंट्स इसको वन बोल सकते हैं, यानी सिर्फ एक स्टेटमेंट है इसको स्टेटमेंट वन बोला जा सकता है, और भी होंगे स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर हो सकते हैं। और यहाँ पे डिनोटेड किया जा रहा है, इंक्लोज किया जा रहा है किसके द्वारा, कर्ली ब्रेसेस के द्वारा। तो इसका एक प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। तो फोर लूप का एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्लास का नाम, उस क्लास के नाम में हम लोग को लिखना पड़ता है क्लास, और यहाँ पर हम कोई भी क्लास का नाम, जैसे कि हम कुछ भी एक्स वाई जेड ए बी सी डी, हम कुछ भी क्लास का नाम लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड, या इस जगह पर हम लिख सकते हैं अपना ही नाम, खुद का नाम, या फिर हम लिख सकते हैं फोर, और यहाँ लिख सकते हैं टेस्ट, क्योंकि हम फोर लूप का एक टेस्ट, एक प्रोग्राम बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, उसका लिखा जाता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और स्ट्रिंग का एस कैपिटल में, स्ट्रिंग ए आर जी, या इसको हम लोग बंद कर देंगे यहां पर ए आर जी, सॉरी एस लगाना मैंने छोड़ दिया इस जगह पर, एस लगा भी सकते हैं, नहीं भी तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर हम लोग दो वेरिएबल्स हम बोल सकते हैं कि लेते हैं, एक लेते हैं यहाँ पर int, एक लेते हैं हम इस जगह पर i इक्वल टू जीरो, एक और साधारण तरह हम लेते हैं यहाँ पर, सॉरी इसको वन कर देते हैं, i इक्वल टू वन, और दूसरा लेते हैं सम इक्वल टू जीरो। एक सिंपल प्रोग्राम यहाँ पे हम बना रहे हैं फोर लूप का। अब यहाँ पे हम लोग देंगे फोर, और जैसा कि स्टेटमेंट्स में था कि सबसे पहले होगा इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन में यहां पर हम लिख सकते हैं i इक्वल टू वन। तो इनिशियलाइजेशन जब यहां पर हम कर रहे हैं तो हमें यहां पर i इक्वल टू वन नहीं भी लेंगे तो भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम ऑलरेडी इनिशियलाइजेशन का काम कर रहे हैं और यहां पे भी इनिशियलाइजेशन ही हो रहा है, इसी लेकर के हम सिर्फ इस जगह पर लेंगे यहां पर i, और सम में हम जीरो रहने देंगे। क्यों? क्योंकि सम को हम यहां पर इनिशियलाइज नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ करवा रहे हैं i को इनिशियलाइज करवा रहे हैं, यानी 1 को i में डाल रहे हैं। अगर हम नहीं डालते तो हमें इनिशियलाइजेशन यहां पे करना पड़ता। तो ये हो गया पहला पार्ट जिसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन का पार्ट, टर्मिनेटर। उसके बाद आते हैं यहां पर i लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि हमें 10 तक चलाना है, और फिर यहां पर टर्मिनेटर, फिर देंगे यहां पर i प्लस प्लस। अब यहां पर आते हैं कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब हम यहां पर 1 से 10 तक के संख्याओं को जोड़ना हम चाह रहे हैं, इसीलिए यहां पर लिखना पड़ेगा सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो आई में जो भी वैल्यू होंगे वो सम से जुट करके वापस से सम में ही ऐड होता जाएगा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर जो भी सम में प्रिंट होगा, सॉरी स्टोर होगा, उसको हमको प्रिंट करवाना है। लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
एल एन भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमें सिर्फ करना क्या है, सम को प्रिंट कर देना। तो प्रिंट करने के लिए हमें सिर्फ इस जगह पर लिखना पड़ेगा सम। और ये करली ब्रैकेट यहाँ पर बंद हो गया। तो हमें दो करली ब्रैकेट बंद करने होंगे, पहला तो ये करली ब्रैकेट बंद हो गया इस जगह पर, दूसरा पब्लिक का करली ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ, और तीसरा करली ब्रैकेट जो बंद होंगे इस जगह पर। अब इसको समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, इसको समझते हैं। ये एक क्लास है और क्लास का नाम कुछ भी रखा जा सकता है अपने मन के अनुसार से बिना किसी प्रॉब्लम्स के। अब आता है यहाँ पर कि ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ये सब क्यों दिया जाता है। तो जब आगे के चैप्टर में क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बारे में बताएंगे कि ये सब चीज कैसे और किस प्रकार से काम होता है ये सारा कुछ। यहाँ पर दो तरह के वेरिएबल डिक्लेयर किए जा रहे हैं। पहला वेरिएबल है यहाँ पर इंट आई, और इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं किया गया। जैसा कि हम पहले बताए थे कि अगर हम यहाँ पे इक्वल टू वन लगा देंगे तो उसी समय इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन हमें करना नहीं है इस जगह पर, ठीक है। तरह के दो वेरिएबल, एक हो गया i, एक हो गया सम इक्वल टू जीरो। दो वेरिएबल्स यहाँ पर हम बनाए हुए हैं। सम में पहले से ही जीरो आ रहा है तो हम यहाँ पर एक लेते हैं i और एक ले लेते हैं सम। ये समझने के लिए कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, इसको समझने के लिए। अब आते हैं नीचे। तो यहाँ पर चूंकि i में कोई भी वैल्यू हम नहीं रखे हुए हैं तो ऐसे मान के चलते हैं कि i भी मेरा खाली होगा, लेकिन सम में हम यहां पर डाल के रखे हैं जीरो, क्योंकि सम में जीरो है तो सम डाल दिए जीरो इस जगह पर। अब नीचे आते हैं। अब यहां पर सबसे पहले जो इनिशियलाइजेशन का पार्ट है, ये पार्ट नंबर वन, ये कंडीशन पार्ट नंबर टू, ये पार्ट नंबर थ्री। तो पार्ट नंबर वन जो इनिशियलाइजेशन है, इसमें आई में वन इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब आई का मान अभी हो रहा है कितना, वन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर आई क्या छोटा है 10 से, तो i में वैल्यू कितना है मेरा, अभी i कितना है 1, तो क्या 1 छोटा है या बराबर है 10 के। तो ये छोटा है, बराबर तो नहीं है i, लेकिन छोटा जरूर है, मतलब ये कंडीशन मैच कर रहा है, यानी ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ट्रू है, यानी ये सही है कि 10 से i छोटा है। छोटा है तो अब नीचे की ओर आएगा, और जब नीचे की ओर आएगा तो यहां पर सम कितना है, सम मेरे पास में जीरो, सम कितना है यहां पर जीरो, प्लस आई कितना है यहां पर वन। तो जीरो में अगर वन को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा वन, यानी सम अब कितना हो जाएगा मेरा यहां पर वन हो जाएगा। तो सम वन हुआ तो इसका मतलब यहां पर जीरो हट करके, यानी ये दोनों जुट करके चला गया किसमें, सम में, तो सम में चला गया तो सम मेरा क्या हो गया, वन हो गया। अब वापस से फिर यहां से इंक्रीमेंट होगा, यानी अब ये पार्ट नंबर थ्री जो कि इंक्रीमेंट है वो काम करेगा और ऊपर की ओर आएगा। और ये सिर्फ एक ही बार काम होता है, इनिशियलाइजेशन सिर्फ एक ही बार काम होता है, दूसरी बार जब फोर लूप यहां से यहां आएगा तो वो बार नहीं करेगा। अब हम लोग यहां पर आते हैं, इस जगह पर ये काम करेगा। तो अब इस जगह पर चूंकि यहां पर जब फोर लूप में ये काम हो रहा था और जब यहां से ऊपर की ओर आ रहा था तो इंक्रीमेंट काम किया, तो इंक्रीमेंट काम किया, तो इसी जगह पर एक तरह से हम बोल सकते हैं या इस तरह से हम पोस्ट में दर्शा सकते हैं कि यहां पर आई हुआ प्लस प्लस। तो जब आई प्लस प्लस हुआ तो कहने का मतलब है कि आई जो वन था और वह एक इंक्रीमेंट हुआ तो आई तो हो गए दो, तो दो हो गए। तो अब जब ऊपर आया इस जगह पर तो आई है कितना मेरा यहां पर, तो दो है, तो दो। क्या वो छोटा है 10 से, तो छोटा है वास्तव में, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 10 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी सही है छोटा है, नीचे की ओर आएगा। जब नीचे की ओर आएगा तो यहां पर देखा जाएगा कि सम कितना है, तो सम मेरा कितना है यहां पर 1, पहले से मेरा 1। आई कितना है तो यहां पे देखते हैं 2 है, तो यहां पे मेरा आई कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 और 1 3, ये 3 जाएगा किस में, सम में आ जाएगा, तो सम भी मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सम 3 हुआ, कहने का मतलब अब यहां से क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब जब 3 हो जाएगा तो फिर जब नीचे आएगा इस जगह पर तो यहां पर i फिर से प्लस प्लस होगा, तो i मेरे पास है कितना, 2, और फिर यहां प्लस प्लस हो रहा है इस जगह पर, तो अब कितने हो गए यहां 3, ये हो गया 3। अब वापस से फिर इस जगह पे आएगा तो i मेरे पास में है कितना, चलो देखते हैं इस जगह पे, यहां पे लिखा हुआ 3,
यानी थ्री हो गया इस जगह पर। तो आई मेरे पास में हो गया थ्री, क्या यह 10 से छोटा है? वास्तव में छोटा है, यानी ट्रू है। ट्रू है तो फिर से नीचे आएगा, फिर से नीचे आएगा तो फिर देखा जाएगा यहाँ पर सम कितना है, थ्री, तो रखो थ्री इस जगह पर। अब यहाँ पर आते हैं, आई कितना है इस जगह पर, थ्री, तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम लोग, थ्री। तो थ्री और थ्री यानी तीन और तीन छः हो गए, और वो छः इनिशियलाइजेशन किस में होगा, निकल करके जाएगा किस में, सम में। तो सम कितना हो गया, छः, यानी यहाँ पर ये हट करके कितने हो गए, छः हो गए। अब छः होने वाले फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होगा तो आई मेरे पास में है कितना, तो तीन है, उसमें एक इंक्रीमेंट कर दो तो तीन एक चार, चार हो गए यहाँ पर। फिर ऊपर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर हो गए आई, चार हो गए। अब चार होने के बाद फिर नीचे वापस जब आएगा तो फिर चेक यहाँ पे देखा जाएगा कि सम मेरे पास में कितना है, तो सम तो मेरे पास में छः है, क्योंकि सम यहाँ पे कितने हैं, छः हैं, इस जगह पे बना देते हैं छः। अब आई कितना मेरे पास में, तो आई मेरे पास में है चार, तो यहाँ पे हो गए कितने, चार हो गए इस जगह पर। अब चार हो गए तो वो छः चार दस, वो दस निकल के किस में आएगा, सम में। तो सम कितना हो जाएगा मेरा, दस, यानी अब यहाँ पर आते हैं, सम कितना हो गया मेरा, सम कितने हो गए इस जगह पर, दस हो गए, ठीक है। अब 10 होने के बाद फिर नीचे आते हैं यहाँ पर आई, तो एक इंक्रीमेंट होगा आई, तो आई मेरे पास में है कितना, चार है, एक और बढ़ा देंगे ये हो जाएगा पाँच। तो अगर फिर जब ऊपर आएगा फिर यहाँ पे चेकिंग किया जाएगा तो आई मेरे पास में है कितने, पाँच। हम इसको करते क्या है, 10 काफ़ी लंबा हो जाएगा तो हम इसको 5 ही रहने देते हैं। तो अब क्या है, ये छोटा तो नहीं है पर क्या है, ये बराबर है। तो अब ये बराबर है तो ट्रू है, फिर नीचे आएगा, फिर देखा जाएगा सम मेरे पास में कितना है, यहाँ पर 10 है, ये हो गया 10। अब आई कितना है यहाँ पर, तो 5, आई कितना है, तो देखो जगह 5 तो 10 5, यहाँ पे हो जाएंगे 15, हो गया 15, तो सम 15 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। अब फिर जब यहाँ पर जब आएगा आई, तो आई को तो इंक्रीमेंट होना है क्योंकि आई तो बढ़ेगा, तो 5 एक ये कितने हो गए, 6। फिर जब यहाँ से आएगा तो अब हो गया 6, तो 6 हो गया। तो क्या वो 5 से छोटा है, नहीं है। क्या वो बराबर है 5 के, नहीं है। तो ये जो 6 है ना, तो वो 5 से छोटा है ना ही 5 के बराबर में, ना ही 5 से छोटा है ना ही 5 के बराबर है, यानी कंडीशन फॉल्स है। तो ये बॉडी ऑफ लूप काम नहीं करेगा। तो जब ये बॉडी ऑफ लूप काम नहीं करेगा तो वापस से बॉडी ऑफ लूप यानी इससे बाहर जब आएगा तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, सम, तो सम है कितना, तो 15। तो आउटपुट में मेरे पास में आ जाएगा 15, ये हो गया फॉर लूप। बस तीन चीजों को याद रखना है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशंस, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब बात आती है कि इसी हम एक और चीज अप्लाई कर सकते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के साथ में, तो जैसा कि हम यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल लिए हुए, एक आई लिए हुए हैं और एक इंट सम इक्वल टू जीरो लिए हुए। अगर हम चाहे तो जो सम यहाँ पर जो हम जीरो किए हुए हैं इसको भी हम सीधा टर्मिनेटर यहाँ पे डाल सकते हैं, और हम इस इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में, यानी टर्मिनेटर के पहला वाला पार्ट जो है ये सेकेंड पार्ट हो गया, और ये थर्ड पार्ट हो गया, टर्मिनेटर का ये सेकेंड, ये हो गया थर्ड वाला पार्ट। यहां पर हम लिख सकते हैं सम इक्वल टू जीरो कॉमा, यानी फर्स्ट पार्ट यहां से यहां तक पहला टर्मिनेटर का जो होगा, पहला टर्मिनेटर का पहला पार्ट हो गया इनिशियलाइजेशन, और यहीं पर हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू 1, ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, और ये हो जाएगा थर्ड पार्ट। तो टर्मिनेटर से पहले हम कितने भी चीजों को कॉमा लगा के इनिशियलाइजेशन करवा सकते हैं। अब सम इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं तो जो जीरो हम यहां पर कर रहे थे इक्वल टू जीरो टर्मिनेटर, अब यहां पर इक्वल टू जीरो टर्मिनेटर हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ हम इस प्रकार से भी लिखेंगे आई वन और इंट सम लिखेंगे, तो सम को इनिशियलाइजेशन यहां पे करवा सकते हैं, और आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन तो हमको करना ही था पहले से ही, लेकिन हम इसको यहां पे भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से हम यहां पर भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट उपयोग कर सकते हैं इस जगह पर भी।
तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इस प्रकार से भी उपयोग किया सकता है, जैसे कि यहाँ पर हम सम लिए हुए हैं तो इस जगह पे भी हम कर सकते हैं यहाँ पर कि सम लेस देन या ग्रेटर देन, कुछ भी हम उस जगह पर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, तो जैसा कि अभी हम बता रहे थे इसके बारे में कि सम 0 होना चाहिए, आई इक्वल टू 1, ये पहला इनिशियलाइजेशन हो गया। कंडीशंस में भी दो तरह की चीज़ों को ऐड किया जा सकता है, कैसे, तो इसको हम एक बार पहले मिटाते हैं और इसको फ्रेश तरीके से और थोड़ा बड़ा हम यहाँ पर लिखते हैं। 4 सम इक्वल टू 0 कॉमा, टर्मिनेटर नहीं देना है क्योंकि पहला इनिशियलाइजेशन का पार्ट होगा, आई इक्वल टू 1 पहला टर्मिनेटर पर आ, यानी ये पहला पार्ट हो गया जिसको हम बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। दूसरा पार्ट कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि आई छोटा और बराबर हो 5 के, और एंड का सिंबल हम देते हैं इस जगह पर कि आई छोटा तो होना चाहिए 5 से, लेकिन एक और चीज एंड देते हैं इस जगह पे कि सम भी छोटा होना चाहिए 10 के, और यहाँ पर टर्मिनेटर देते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के कंडीशंस आ गए, पहला तो आई छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 5 के, और दूसरा कि ये भी सम जो कि जुटते जाएगा सम इस जगह पर, वो भी सम को चेक किया जाएगा कि यदि सम 10 से बड़ा होता है तो बॉडी ऑफ लूप से बाहर की ओर वो निकल जाएगा, यानी कि वो सीधा आकर के सम को प्रिंट कर देगा। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आई प्लस प्लस, इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया दो इनिशियलाइजेशन, दो कंडीशंस हो गए, और अगर हम चाहें तो एक और यहाँ पर, ये जो तीसरा पार्ट है ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट, यानी कंडीशंस का, ये हो गया तीसरा पार्ट। हम तीसरे पार्ट में भी कॉमा डाल करके यहाँ पर कुछ और चीज़ों को भी इंक्रीज या डिक्रीज आसानी से हम कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। जिस तरह से दो इनिशियलाइजेशन के बीच में कॉमा लगा हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर दो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के बीच में हम क्या कर सकते हैं, कॉमा डाल सकते हैं कुछ भी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई प्लस प्लस कॉमा सम प्लस प्लस भी हम इस जगह पर लिख सकते हैं कॉमा डाल करके, तो ये हो जाएगा पार्ट नंबर 3 हो जाएगा। और दो कंडीशंस के बीच में हमें एंड या और का सिंबल, एंड और या नॉट, हम इस तरह से चीज़ों को लगा सकते हैं यहाँ पर।